एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड ऑफ इंडिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ चोको वेफर रोल। ये चोको वेफर रोल बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाना तो इसे बहुत ही आसान है, बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। तो घर पर ही हम इतने अच्छे रोल बना सकते हैं तो मार्केट से क्यों लाए। तो चलो बनाना शुरू करते हैं चोको वेफर रोल। शुरू करने से पहले एक बार जरूर बताऊंगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं चोको वेफर रोल। चॉकलेट वेफर रोल्स के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। 3/4 कप मैदा लिया है, 1/2 कप शुगर पाउडर लिया है। ये मैंने होममेड शुगर पाउडर लिया है, घर पर ही पीस कर लिया है। आपको मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप चाहे तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हो। 1/2 स्पून बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक 1 पिंच, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी लेना है हमें। और 1.5 स्पून कोको पाउडर, 1/2 कप मिल्क और कुछ डार्क और लाइट दोनों चॉकलेट लिए मैंने। ये हम मेल्ट कर इसके अंदर स्टफिंग करेंगे और कुछ ऑयल। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं चॉकलेट वेफर रोल। पहले हम वेफर रोल का बैटर बना लेते हैं। मैदे में मैं शुगर पाउडर डाल देती हूँ। बेकिंग सोडा, नमक, कोको पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं मैदे में। अब मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। 2 स्पून ऑयल डालेंगे हम। फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं ऑयल। अब हम इसका बैटर बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम बैटर बनाएंगे। सारा दूध डाल देते हैं। अच्छे से स्मूथ बैटर बनाना है बिना लम्स के। बैटर बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, पूरिंग कंसिस्टेंसी। अब इसे हम साइड में रख देते हैं, अगले प्रोसेस पर चलते हैं। अब मैंने एक एल्यूमिनियम फॉइल लिया है इस साइज का और एक वुडन स्टिक लिया जो आपको मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये स्टिक, इसे हम इस तरह से रखेंगे और हमें रोल करना है इसके ऊपर। टाइट से पकड़ते हुए रोल करेंगे, टाइट से करना है, इस चीज का ध्यान रहे। धीरे धीरे फोल्ड करते रहेंगे। इस तरह से पूरा फोल्ड कर देना है हमें अच्छी तरह से। और अब ये स्टिक निकाल देती हूँ, ध्यान से स्टिक निकाल देते हैं। इस तरह से ये बन गया है हमारा चोको स्टिक का फिलिंग करने के लिए पाइप की तरह। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक स्पून लिए गोल इस तरह के। अब हम इस बैटर का डोसा बना टाइप में बना लेंगे। तो एक पैन लिया है मैंने, पैन पर 1 स्पून डाल देती हूँ इस तरह से। थोड़ा सी और डाल देते हैं और इसे इस तरह से फैलाना है हमें डोसे की तरह। और इसे इस तरह से फैलाना है। इस तरह से हमें फैला लेना है। हल्का सी कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा और होने देते हैं। कॉर्नर्स निकलने लगे हैं, कलर भी चेंज हो गया है। तब हम डायरेक्टली तवे पर ही रोल करेंगे। तो फॉइल हमने जो पाइप बनाई थी वो इस पर रखेंगे और इस तरह से हम रोल करेंगे।
आप चाहे तो पूरा निकाल कर बाद में भी रोल कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो, बट मुझे इस तरह से कंफर्टेबल है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। इस तरह से रोल कर लेंगे, बहुत ही इजीली निकल जाता है। सारे रोल्स हम इसी तरह से कर लेंगे। अब इसमें से हम ये जो फॉइल वाली स्टिक रखी थी वो निकाल देते हैं, बहुत ही इजीली निकल जाएगी इस तरह से। सारे हम पहले इस तरह से चौको वेफर रोल्स बना कर रख लेते हैं। दूसरा ही मैंने रख दिया है ऊपर। सारे मैंने वेफर रोल्स बना लिए हैं, अब अगले प्रोसेस पर चलते हैं। हमें इन्हें बेक करना होगा। आप चाहे तो माइक्रोवेव में बेक कर सकते हो या फिर कढ़ाई में भी रोस्ट कर सकते हो, तो मैं कढ़ाई में करके बताती हूँ क्योंकि हर किसी के पास ओवन नहीं होता। इसलिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में आप कोई भी कटोरी या रिंग कुछ भी इस तरह से रख सकते हो जहाँ लेवल थोड़ी ऊंची हो जाए। अब इसमें मैं एक प्लेट रख देती हूँ और इस प्लेट में हम ये सारे वेफर रोल्स रख देंगे इस तरह से। सारे वेफर रोल्स रखकर मैं इसे ढक देती हूँ। ढककर लगभग हम 15 से 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पकने देंगे। 20 मिनट हो चुकी है, चेक कर लेते हैं। अच्छी तरह से हल्का सी कलर भी चेंज हो गया है, बहुत अच्छी क्रिस्पी भी बन गई है। देखिए कैसे टूट रही है, अच्छी क्रिस्पी बन गई है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ, ध्यान से निकालना है हमें। चॉको वेफर्स तो बनकर रेडी हो गए हैं, अब हम इसमें चॉकलेट फिलिंग करेंगे। तो जो मैंने चॉकलेट ली है इसे मेल्ट कर लेती हूँ। मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ, आप चाहे तो डबल बॉयलर से ही मेल्ट कर सकते हो। चॉकलेट को मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया इस तरह से। अब इस मेल्टेड चॉकलेट को हम एक कोन में भरेंगे। मैंने मेहंदी के कोन की तरह कोन बनाया है, आप चाहे तो आइसिंग कोन में भी भर सकते हो। अच्छे से फिल कर लेती हूँ इस तरह से। मैंने कोन में भर लिया है, अब हम फिल कर लेते हैं। एक चॉको वेफर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे इस तरह से, और इस तरफ भी भर लेते हैं इस तरह से। दोनों तरफ से अच्छे से चॉको फिल कर लिए मैंने। चॉकलेट अच्छी तरह से फिल हो गई है, सारी मैं इसी तरह से फिल कर लेती हूँ। दोनों तरफ से हम करेंगे, थोड़ा सी कोन अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इस तरह से। सारे वेफर्स हम इस तरह से फिल कर लेते हैं। सारे चॉको वेफर्स मैंने इस तरह से फिलिंग कर ली है। कितनी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल मार्केट जैसी चॉको वेफर रोल बनकर रेडी हो गई है। और कितना आसान भी है घर पर बनाना, तो आप भी घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही क्रंची, चॉकलेट का फ्लेवर, बहुत ही अच्छे चॉको रोल्स बनेंगे। तो आपको ये चॉको वेफर रोल कैसे लगे हैं ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। मिलेंगे फिर एक बार ऐसी कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।